हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल ही चुका है कि जो मैं आज का टॉपिक है वो यूट्यूब का ये अपडेट का बारे में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूट्यूब का जो अपडेट आया है वो ज़्यादा कुछ नहीं अपडेट आया है। वो अपडेट यही है कि यूट्यूब का जो मोनिटाइजेशन का रूल है उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। आपका जो 4,500 घंटा वॉच टाइम और 1,000 जो सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन था वो तो वही है, लेकिन उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। जो पहले क्या करते थे लोग कि आप 4,500 घंटा वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर पूरा करने के बिना ही चैनल को रिव्यू में भेज सकते थे, लेकिन अभी YouTube ने क्या किया है कि अभी ये कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। आपका जो 1,000 सब्सक्राइबर और 4,500 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करने के बाद ही आपका YouTube मोनेटाइजेशन ऑन होगा। अपने थंबनेल में देख के आप डर ही गए हैं कि 30 दिन में आपका अगर मोनेटाइजेशन ये मोनेटाइजेशन जो माइलस्टोन दिया है वो पूरा करना पड़ेगा, वो नहीं। आपको क्या करना है, आपका पहले जैसा ही रहेगा, 12 महीने में आपको मोनेटाइजेशन ऑन करना पड़ेगा। तो 4,500 घंटा और 1,000 सब्सक्राइबर पूरा किए बिना ही रिव्यू में भेजा है, उसके लिए ये 30 दिन का YouTube ने समय दिया है कि इस 30 दिन में आप ये माइलस्टोन पूरा कर लीजिए, नहीं तो आपका ये चैनल मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। मतलब वहाँ पे आपको एप्लीकेशन रिमूव कर दिया जाएगा आपका। तो इसके लिए ही आपको डरने की कोई बात नहीं है, बाद में भी आपका अगर जब हो जाएगा ये माइलस्टोन पूरा तो आपको मोनेटाइजेशन आपका ऑन हो जाएगा। तो इसके बारे में बताने के लिए ही ये वीडियो बनाया हो। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट पे ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।